हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने फोटो पर अपना नाम और डेट लिखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मोबाइल से घर बैठे अपने फोटो पर अपना नाम और डेट कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपको अपने मोबाइल में लाइव प्रूफ फोटो पर अपना नाम और डेट लिख कर आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने फोटो पर नाम और डेट को लिखने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए फर्स्टली आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आपका प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है उस एप्लीकेशन का नाम, जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप पिक्सल लैब सर्च कर देंगे तो आपको इस एप्लीकेशन का लोगो दिख जाएगा। अब आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मुझे यहाँ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे फ्रेंड्स आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके भी मोबाइल में ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप ओपन पर क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अपनी गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको नाम और आपको डेट लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सही पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। आपको पीछे का बैकग्राउंड आपको वाइट कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका वाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसे एडजस्टमेंट कर लेना है जिस पर आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है प्लस वाले ऑप्शन पर। उसके बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पर डबल टाइप करना है। बाद आपको इसे कट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना नाम आपको टाइप करना है, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं अपने फ़ोटो पर। सिंपली मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, आप भी अपना नाम टाइप कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स आप अपना नाम टाइप कर लेंगे, उसके बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है। अब आपको इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर इस पर ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इधर से स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ जिस भी कलर में अपना चाहते हैं आप रख लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक ही सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो फॉन्ट चाहते हैं आप अपने मन मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको इसे कॉपी करना है। आपको इसे कॉपी करने के लिए आपको इस पर कॉपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे एकदम छोटा कर देना है क्योंकि यहाँ पर आपको डेट लिखना है तो आपको डेट छोटा थोड़ा रहना चाहिए। भी आप यहाँ डेट डालना चाहते हैं अपने मन मुताबिक आप डाल सकते हैं। जितना को डेट डालना हो, 3 महीने पुराना या 1 महीने, कोशिश कीजिएगा कि आप आज का ही डेट डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ डेट डाल दिया। उसके बाद अगर आप अपने डेट का इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको डेट पर क्लिक करके फॉन्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसे नीचे करना है तो आप नीचे कर सकते हैं। कि फ़ोटो पर नाम और डेट टाइप हो चुका है। अब आपको इसे अपनी गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, डायमेंशन पर क्लिक करके आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करके आपको हाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड आपको ऐड आएगा जिसे आपको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना गैलरी ओपन करना है तो ये सबसे पहले आपका ये फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। अब आपको अपनी गैलरी से इसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए जैसे फ्रेंड्स आप एडिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इसे क्रॉप कर लेना है। अब जो बाकी स्पेस यहाँ बच रहे हैं, खाली जगह, आपको इसे थोड़ा सा इसे आपको क्रॉप कर देना है ताकि ये अच्छा लगे। जैसे आप क्रॉप कर देंगे अपने हिसाब से, उसके बाद आपको सही पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका ये फ़ोटो बनकर तैयार हो गया है। आपका नाम और डेट यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है। अब आपको इसकी साइज़ कम करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे आप अपने फ़ोटो की साइज़ को आसानी से कम कर सकते हैं। वो वीडियो देख लेंगे तो आप इस फ़ोटो का साइज को वहाँ से सेलेक्ट करके आप आसानी से कम कर सकते हैं। 10 KB, 20 KB, 50 KB, 100 KB, जितना KB का आप फ़ोटो बनाना चाहते हैं उतना KB का आप बना सकते हैं।
तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि कैसे आप अपने फ़ोटो पर अपना नाम और डेट को आसानी से लिख सकते हैं अपने मोबाइल से, इसके बारे में आपको बताने वाला था। आई होप कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।